गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू लर्न द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। टुडे वी विल रीड चैप्टर टू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ ग्रास होपर? हैव यू एवर सीन अ ग्रास होपर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एंट्स मूविंग इन अ लाइन? क्या आपने कभी ग्रास होपर देखा है? एंट्स देखिए लाइन में चलते हुए, वो खाना लेकर जाती हैं, फूड। टुडेज आर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज रिलेटेड टू फ्यू इंसेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एंट एंड द ग्रास होपर। दीज आर द फ्यू इंसेक्ट्स। लुक एट द पिक्चर। वॉट इज दिस? This is ant. This is mosquito. This is housefly. This is butterfly. This is ladybird. And this is bee. Now let's start the chapter. First, look at this picture. There is a grasshopper. This is grasshopper. And here are some ants. Here are some ants. Let's start the chapter. It was a bright day in summer. Means there is a day of summer when the sun was shining brightly in the sky. A green little grasshopper was hopping about merrily in a field. You know what is merrily? Merrily means happy. Like we used to walk. Just like that, grasshopper used to hop. He was hopping in the field. He was very happy and he was hopping in the field. It was chirping and singing to itself without a care in the world. It was chirping and singing. Chirping is a sound of grasshopper and he was singing to itself without a care in the world. Usko koi chinta nahi thi ki world mein kya ho raha hai, duniya mein kya ho raha hai. He was happy and he was singing to himself. It saw ants passing by. तब उसने देखा कि वहां से कुछ ants जा रही हैं। The ants were dragging home grains with great difficulty. The ants were dragging. Dragging मतलब बहुत मुश्किल से खींचना किसी चीज को। As you know, the ants are very small. वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो what they were doing? The ants were dragging होम ग्रेन्स विद ग्रेट डिफिकल्टी। वो बहुत मुश्किल से ग्रेन्स मतलब खाना, जो उनका खाना वो खाती है, उसको बहुत मुश्किल से खींच खींच कर लेकर आ रही थी। यू सीम टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी, सेड द ग्रास होपर टू वन एंट। तभी ग्रास होपर एक एंट से बोलता है, यू सीम टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, आप इतनी मेहनत कर रही हो, वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, तुम आकर मेरे साथ बातें क्यों नहीं करती हो? Why you are doing so much hard work? Why don't you enjoy the bright summer day? He said, the grasshopper said, why you don't enjoy the bright summer day? इतना अच्छा दिन है और तुम इतना hard work कर रही हो, तुम आकर मेरे साथ इस summer day को enjoy क्यों नहीं करती हो? I am helping to store food for the winter, said the ant. तब जो ant थी वो उसको reply करती है, वो उसको answer करती है कि मैं दूसरी ants को help कर रही हूँ winters के लिए food store करने के लिए। अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है, अभी तो हमारे पास बहुत सारा food है, but winters में जब हम अंदर रहेंगे, हम ठंडी में बाहर नहीं आते हैं, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? तो हम लोग सारी ants मिलकर सारा जो फूड है उसको इकट्ठा करके अपने घर में रख रहे हैं, सो दैट वी कैन ईट ड्यूरिंग विंटर्स। जब हमारे पास खाना नहीं होगा विंटर्स में, तब हम उसको खा पाए। यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो डू द सेम, वो ग्रास होपर को बोलती है कि तुम्हें भी विंटर्स के लिए खाना इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स इंसेक्ट्स यूज टू स्टे इन देयर होम्स, वो अपने घर में ही रहते हैं, इंसेक्ट्स बाहर नहीं आते। आपने देखा होगा ड्यूरिंग समर्स, समर्स में एंट्स आती हैं, ग्रास होपर्स आते हैं, बीज आती हैं, बट विंटर्स में इंसेक्ट्स नहीं आते, वो लोग अपने घर में ही रहते हैं। तब जब वो अंदर रहेंगे तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए उनको अपना खाना, अपना फूड समर में ही स्टोर
करना होता है. बट द ग्रास होपर वॉज वेरी लेजी, बहुत लेजी था, उसको तो हार्डवर्क करना ही नहीं था. ही वॉज इंजॉइंग द समर, वो समर को इंजॉय कर रहा था. एंड द ग्रास एंट्स वर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, वो भी समर को इंजॉय कर सकती थी, बट वो अपने विंटर्स को, विंटर के लिए भी खाना इकट्ठा करके रख रही थी. Why bother about winter? said the grasshopper. Grasshopper कहता है why bother about winter? Winter के लिए चिंता क्यों करनी? Bother means worried. अभी से winter के लिए tension क्यों लेनी? said the grasshopper. Grasshopper बोलता है we have got plenty of food now. अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है ना. But the ant went on its way doing its work. लेकिन ant जो थी वो अपना काम करने के लिए चली जाती है, वो उसकी बात नहीं सुनती. When winter came, जब winter आती है, when winter came, now the summers are over and it's time for winter. The grasshopper had no food and found itself dying of hunger. Now grasshopper is feeling very hungry. He wants to eat something, but there is no food because he was enjoying the summer that time. He didn't collect the food. Now there is no food for grasshopper to eat. So he was dying of hunger. वो भूख के मारे मर रहा था. The ants happily ate up the grains from the store they had collected in the summer. The ants happily ate up the grains. वो खुश होकर अपना खाना खाती हैं. From the store they had collected in the summer. उन्होंने तो समर में हार्ड वर्क करके सारा खाना इकट्ठा किया था, फूड कलेक्ट किया था. तो नाउ दे आर इंजॉइंग द फूड, उनको कोई टेंशन नहीं है. बट द ग्रास होपर इज वरीड, ही इज हैविंग नो फूड टू ईट. देन द ग्रास होपर न्यू वाई द एंट हैड वर्कड सो हार्ड ऑन अ ब्राइट समर डे. अब ग्रास होपर को समझ आता है कि आंट्स ने क्यों समर में इतना हार्डवर्क किया, क्यों उन्होंने समर में इंजॉय नहीं किया मेरे साथ बैठकर, क्योंकि उनको पता था कि विंटर्स में फूड नहीं मिलेगा. नाउ दे आर इंजॉइंग द फूड एंड दिस इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर. मीन्स हमें हमेशा फ्यूचर के लिए, हर किसी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. इट इज फॉर यू ऑल्सो स्टूडेंट्स, लाइक अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे होगा. वर्क टूडे एंड यू विल रीप द बेनिफिट टूमोरो. अगर आज आप वर्क करोगे तो उसका बेनिफिट आपको कल मिलेगा. लेट स्टडी टूडे एंड रीप द बेनिफिट ऑफ हार्ड वर्क टूमोरो. आज से लर्न करना स्टार्ट करोगे तभी आपको टेस्ट में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सपोज कल आपका टेस्ट है और आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, आप सोचोगे मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के लर्न कर लूंगा, तो मे बी आपको मॉर्निंग में आप जल्दी नहीं उठ पाओ या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप कैसे लर्न करोगे. सो वॉट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.